आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की न्यू रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जो कि फ्रेंड्स कंबाइंड हायर सेकेंडरी 10+2 लेवल एग्जामिनेशन 2024 मींस एसएससी सीएचएसएल रिक्रूटमेंट 2024 के लिए आपका जारी किया गया है। आप इसका ऑनलाइन फॉर्म कैसे अप्लाई कर सकते हैं, इसके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, जो आपके फॉर्म है वो आपके 8 अप्रैल 2024 से स्टार्ट हो गए हैं, 7 मई 2024 तक आप इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, जो वैकेंसीज की डिटेल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है। पे स्केल आपको देखने को मिल जाएगा, 3712 वैकेंसीज आपकी यहाँ पर जारी की गई है जिसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। ऑल इंडिया कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2024 आपकी यहाँ पर रहेगी। तो आप यहाँ पर जो एज क्राइटेरिया है वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, किन पोस्ट के लिए क्या जो है आपका एज क्राइटेरिया रहेगा, इसके बाद ही आप इसमें ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर करेंगे। अब बात करते हैं फॉर्म अप्लाई के लिए। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए, ये इसका ऑफिशियल पोर्टल है जहां से आप इसमें ऑनलाइन आवेदन करते हैं। सबसे पहले लॉगिन या रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होगा। इंस्ट्रक्शंस को यहां पर पढ़ने के लिए आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपका रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। कंटिन्यू टैब पर क्लिक करने के बाद आपसे यहां पर पूछता है, डू यू हैव आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आधार कार्ड का जो नंबर है वो आपको यहां पर देना है। आधार कार्ड नहीं है उस कंडीशन में आप नो करके यहां से कोई भी टाइप ऑफ आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, एम्प्लॉय आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, स्कूल या कॉलेज आईडी, वोटर आईडी आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं और उस आईडी का फ्रेंड्स नंबर आपको देना होगा। पर आपके पास आधार कार्ड है तो आप सिंपली आधार कार्ड का नंबर दे सकते हैं। इसके बाद मैट्रिकुलेशन के अकॉर्डिंग आपको फ्रेंड्स आपका यहां पर जो नाम है वो आपको यहां पर एंटर करना होगा और इस नाम को आपको यहां पर कंफर्म भी करना होगा। ये करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, अगर आपने कभी अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं और चेंज किया हुआ नाम आप देंगे, नहीं तो आप यहां पर नो कर देंगे। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है जेंडर का, जेंडर सेलेक्ट कीजिए, इसको वेरीफाई कीजिए। नेक्स्ट ऑप्शन डीओबी मीन्स डेट ऑफ बर्थ का है, तो आप इस कैलेंडर पर क्लिक करके आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो फ्रेंड्स आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर फ्रेंड्स मैं सिर्फ सैंपल के तौर पर आपको यहां पर शो कर रहा हूं कि आपको किस तरह से यहां पर डाटा को सेलेक्ट करना है। इसके बाद आप यहां पर जो आपकी डेट है वो भी आप यहां पर एंटर कर देंगे। इसके बाद यहां पर भी आपको फ्रेंड्स आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहां पर इस तरह से एंटर करना है। नेक्स्ट ऑप्शन है फादर नेम का, तो फादर नेम आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद आप फादर नेम को यहां पर वेरीफाई कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है मदर नेम का, मदर नेम आप यहां पर एंटर कीजिए और उसे भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद है फ्रेंड्स आपका बोर्ड कौन सा है, टेंथ का, तो टेंथ के बोर्ड की लिस्ट आपको फ्रेंड्स यहां पर देखने को मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी आपका बोर्ड यहां पर रहा है वो बोर्ड आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको सभी बोर्ड्स के नेम यहां पर देखिए देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए, अब आपको आपका जो टेंथ का रोल नंबर है वो आपको एंटर करना है। रोल नंबर जो है फ्रेंड्स मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। आपको कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यहां पर यूज नहीं करना। अब आपसे कहा गया है, इफ रोल कोड इज गिवन इन योर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट देन एंटर रोल कोड रोल नंबर। तो फ्रेंड्स अगर आपका रोल कोड भी आपको दिया गया है तो रोल कोड और रोल नंबर दोनों ही आपको यहां पर एंटर करने होंगे। इसके बाद आप इसे वेरीफाई यहां पर करेंगे। इसके बाद है ईयर ऑफ पासिंग, आपने इसको कब पास किया है, आप अपने अकॉर्डिंग डेट ऑफ पासिंग आपका यहां से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हाईएस्ट लेवल ऑफ क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है, टेंथ है, 10+2 है, डिप्लोमा है, डिग्री है, आपका जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आप यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपेयरिंग भी है मान लीजिए ग्रेजुएशन में, तो भी आप अपनी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन यहां पर ग्रेजुएशन को ही सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर देना है और इसके बाद आपको यहां पर आपकी मेल आईडी देनी है। और ध्यान रखिएगा, इन पर एक ओटीपी जाती है जो कि फ्रेंड्स आपकी ये एक्टिव एंड वैलिड होनी चाहिए। इसके बाद ही आप यहां से डाटा को सेव एंड नेस्ट करेंगे। तो यहां पर फ्रेंड्स देखिए, जब आपके मोबाइल पर और आपकी मेल आईडी पर जो ओटीपी आती है वो ओटीपी वैलिडेट करने के बाद यहां पर फ्रेंड्स आपको सेव एंड नेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहां पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहां से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहां पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहां से साइन इन कर लेंगे।
साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा। तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नंबर्स यूज कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है। तो आप यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपके आई एग्री का। आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू ओटीआर कर लेंगे, मतलब ओटीआर में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का एसएससी का वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो फ्रेंड्स रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करने के बाद अब आपको यहाँ पर लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के लिए आपको आपका रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और ये कैप्चा कोड यहाँ पर डालकर लॉगिन करना है। अगर आप अपना पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स जब अपने डैशबोर्ड पर आप लॉगिन करते हैं तो यहाँ पर देखिए लाइव एग्जामिनेशन के सेक्शन में आपको कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल 10+2 का ऑप्शन मिल जाएगा, जहां पर आपको अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको फिल फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन क्वालिफिकेशन का है। तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन अब आपकी देखिए 10+2 हो सकती है, डिग्री हो सकती है, तो आपकी जो भी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है आप उस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। क्वालिफाइंग में फ्रेंड्स आप यहां पर जाएंगे, अब 12th पास आउट है, 12th के इक्विवेलेंट पास आउट है, या फ्रेंड्स आपके पास डीम्ड ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट है तो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर इक्विवेलेंट है तो आप इक्विवेलेंट भी सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर 12th के इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन आपके पास है तो। अगर आपके पास 12th है ओनली 10+2 है तो आप 10+2 यहां पर सेलेक्ट करेंगे। आप पास आउट है तो पास सेलेक्ट कीजिए, अपेयरिंग है तो अपेयरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। बस ये ध्यान रखिएगा जो कट ऑफ डेट आपकी यहाँ पर दी गई है, अगर आप नोटिफिकेशन को यहाँ पर ध्यान से पढ़ेंगे और क्वालिफिकेशन वाले सेक्शन पर जाएंगे तो यहाँ पर फ्रेंड्स आपको देखिए जानकारी देखने को इसकी मिल जाएगी। तो यहाँ पर फ्रेंड्स स्क्रॉल करने पर देखिए आपसे कहा गया है एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1/8/2024। तो यहाँ पर देखिए 12th स्टैंडर्ड पास इन साइंस स्ट्रीम विद मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। तो आप डीओ ग्रेड 1 के लिए आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एलडीसी या जीएसए के लिए फ्रेंड्स अगर आप अप्लाई कर रहे हैं, डीओ ग्रेड 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 12th स्टैंडर्ड पास आउट होना या उसके इक्विवेलेंट पास आउट होना। अगर आप 12वीं पास हैं या उसके इक्विवेलेंट कोई भी क्वालिफिकेशन आपने की हुई है, जैसे डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा जो कट ऑफ डेट है वो 1/8/2024 है, 1/8/2024 तक आपका ये कंप्लीट हो जाना चाहिए तो ही आप इसमें एप्लीकेबल होंगे। मतलब अगर आपने 12th यहाँ पर दिया है एग्जाम पर अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है तो 1/8/2024 तक रिजल्ट आपका आ जाना चाहिए। तो अपेयरिंग में आपको पासिंग ईयर 2024 देखने को मिलेगा। पर अगर आप पास आउट है तो उस कंडीशन में आप यहां पर जो ऑप्शन है पासिंग ईयर का वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपको स्टेट सेलेक्ट करना होगा, किस स्टेट से आपने इसको जो एग्जाम है वो आपको पास किया है, मतलब जो आपका बोर्ड है, जैसे आपका बोर्ड या यूनिवर्सिटी है वो किस स्टेट में आता है। अब जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर दिल्ली सेलेक्ट करते हैं तो दिल्ली सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई का ऑप्शन मिल जाएगा, क्योंकि सीबीएसई का जो फ्रेंड्स बोर्ड है वो फ्रेंड्स आपका जो है स्टेट है यूटी दिल्ली में आता है। इसी तरह से फ्रेंड्स आपका जो भी बोर्ड रहा है वो किस स्टेट में आता है उसकी जानकारी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी होगी।
इसके बाद ही आपको यहाँ पर देखिए बोर्ड के नेम की यहाँ पर लिस्ट मिलती है, आप उसके अकॉर्डिंग ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आपका रोल नंबर देना है, तो आप अपना रोल नंबर यहाँ पर देंगे, परसेंटेज देंगे, और इसके बाद अगर आपका सीजीपी है तो आप सीजीपी दे सकते हैं, और सेव एंड नेस्ट आप यहाँ से डाटा को कर देंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स डाटा को सेव एंड नेस्ट करने के बाद आपसे फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए पूछता है एक्स सर्विस मैन अगर आप है तो यहाँ पर यस कर सकते हैं, डेट ऑफ ज्वाइनिंग क्या है, डेट ऑफ डिस्चार्ज क्या है ये आपको देना होगा, नहीं तो आप नो पर क्लिक करेंगे। एज में अगर आपको छूट चाहिए तो आप यस कर सकते हैं, क्यों चाहिए तो आपको कैटेगरीज मिल जाती है, आपके अकॉर्डिंग एज में छूट आप ले सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी फ्रेंड्स जो जॉब अथॉरिटी है डीओपीटी में अगर आप वो शो करना चाहते हैं तो यस कर सकते हैं, नहीं तो आप नो करेंगे, और उसके बाद सेव नेक्स्ट यहां से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है प्रेफरेंस ऑफ एग्जाम सेंटर, तो फ्रेंड्स आपके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सेंटर आप यहां पर लेना चाहें वो एग्जाम सेंटर आप यहां पर ले सकते हैं, आपको मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर मिल जाते हैं। आपको फ्रेंड्स जो भी रीजन यहां पर देखिए दिए गए हैं रीजन के अकॉर्डिंग आपको यहां पर सेंटर्स को सिलेक्ट करना होगा, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी रीजन आप यहां पर सिलेक्ट करना चाहें वो रीजन आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद मीडियम आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम का क्या चाहिए वो आपको यहां पर लिस्ट मिल जाती है, वो आप यहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट के लिए कौन सी आपको लैंग्वेज चाहिए वो आपको सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद पीएच कैंडिडेट अगर आप हैं तो आपका ये ऑप्शन एप्लीकेबल रहेंगे अगर आपने रजिस्ट्रेशन में यस किया है, नहीं तो आप यहां पर नो करेंगे। इसके बाद पूछा गया है कि 12वीं का जो स्टैंडर्ड है वो आपने साइंस स्ट्रीम जिसमें मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट अगर आपने पढ़ा है तो यस करेंगे, अगर आपने मैथमेटिक्स के अलावा 12th की है मतलब मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपने नहीं पढ़ा है तो आप यहां पर नो करेंगे उस कंडीशन में, तो ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। तो अगर आप यहां पर 12th नॉर्मल पास आउट है मतलब आर्ट्स कॉमर्स से भी पास आउट है या बायो से पास आउट है तो उस कंडीशन में आप यहां पर नो करें, और अगर आपने यहां पर मैथमेटिक्स से किया है तो ही आप यहां पर यस करेंगे और उसके बाद ही सेव एंड नेस्ट आप यहां से करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है अपलोड फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का, तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए कैप्चर लाइव फोटो का ऑप्शन है, तो आपके फ्रेंड्स जो भी वेब कैमरा है उससे फ्रेंड्स आपको यहां पर फोटो कैप्चर करनी है लाइव फोटो, और इसके बाद आपको यहां पर सिग्नेचर यहां पर अपलोड करना होगा जेपीजी फॉर्मेट में। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड में तो आपका जो मोबाइल है उसमें फ्रेंड्स जो गूगल प्ले है उसमें आपको माई एसएससी का एक फ्रेंड्स ऐप मिलता है, उसमें आपको ये इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देखिए इस तरह से रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉग इन करना होगा, और उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो फोटो है जो आपको सैंपल फोटो दी गई है इस फोटो को आप इस तरह से यहाँ पर अपनी कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर करने के बाद फ्रेंड्स आपकी जो फोटो है वो यहाँ पर शो करने लगेगी, तो अगर आपको यहाँ पर नहीं करती है तो आप इस पेज को रिफ्रेश कर लेंगे, उसके बाद फोटोग्राफ आपको यहां पर शो करेगी। ऐसे ही अपलोड सिग्नेचर पर आप जाएंगे, साइज आपको दिया गया है 10 से 20 KB, तो आप 10 से 20 KB में सिग्नेचर को अपलोड करेंगे। फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर अपलोड करने में फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करें या हमें मेल करें, मैं फ्रेंड से कोशिश करूंगा आपको फ्रेंड जो फोटो का वीडियो अलग से प्रोवाइड करने का। तो यहां पर फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेस्ट यहां से डाटा को कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर फोटो एंड साइन अपलोड करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन मिलता है, आप इस ऑप्शन पर टिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स डिक्लेरेशन आपको करना होगा, तो आप यहां से आई एग्री करेंगे, इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहां पर देखिए सेव एंड नेस्ट का ऑप्शन मिल जाता है। तो फ्रेंड्स यहां पर देखिए सेव एंड नेस्ट करने से पहले फ्रेंड्स ध्यान रखिए जो भी जानकारी आपने फिल की है उसको आप चेक कर लें, कोई भी गलती है तो उसे आप एडिट जरूर कर लें, इसके बाद ही आप इसे सेव एंड नेस्ट यहां से करेंगे, आपका फॉर्म फाइनली सबमिट हो जाएगा, और प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म का जो प्रिंट आउट है वो डाउनलोड करके अपने पास रख सकते हैं।